बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपका रूबरू करा दे। हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक, किसान आंदोलन को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जा रही है। सीएम जो हालात है उनका जायजा ले रहे हैं इस मीटिंग के जरिए। हरियाणा के कई मंत्री इसमें मौजूद है। सीएम आवास पर ये बैठक रखी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल की ये अनौपचारिक बैठक रखी गई है और ये मीटिंग किसान आंदोलन को लेकर रखी गई है। सीएम हालातों का जायजा ले रहे हैं इस मीटिंग के जरिए। हरियाणा में कई मंत्री इस बैठक में मौजूद है। सीएम आवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक, बड़ी जानकारी हरियाणा से इस वक्त। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा सुबह से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसात्मक तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। अब तमाम जो हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा की जा रही है। हालातों का जायजा लिया जा रहा है इस मीटिंग के जरिए। सीएम मनोहर लाल खुद हालातों का जायजा ले रहे हैं इस बैठक के जरिए। हरियाणा के कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि बैठक सीएम के आवास पर ही रखी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल की ये बैठक रखी गई है। किसान आंदोलन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और जो तमाम हालात इस वक्त बने हुए हैं उनका जायजा हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सीएम के आवास पर ही बैठक रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और कई मायनों में ये जो बैठक है ये खुद अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि जिस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था तो तब हिंसात्मक तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जो स्थितियां हैं वो काफी विपरीत होती हुई नजर आई। पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति कई जगह पर देखने को मिली और किसानों का दूसरा ही पेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि बैठक होना, चिंतन मंथन होना, आखिर कमी क्या रही है और हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए हैं, इन्हीं सभी को लेकर ये बैठक रखी गई है। तमाम हालातों का जायजा सीएम ले रहे हैं इस बैठक के जरिए, जिसमें कई मंत्री भी मौजूद हैं। सीएम के आवास पर ये बैठक आयोजित की गई है। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक को लेकर? बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है कई मायनों में बैठक। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री एक अनौपचारिक तौर पर बैठक कर रहे हैं। दरअसल आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में गए हुए थे, लिहाजा सभी मंत्री जो है वो नहीं पहुंचे हैं चंडीगढ़। लेकिन जो मंत्री चंडीगढ़ में पहुंचे हैं उनके साथ मुख्यमंत्री अपने चंडीगढ़ आवास पर आज जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में उसके ऊपर बातचीत जो है वो कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अब हरियाणा को आगे किस तरह से निपटना है, हरियाणा से होकर जो दूसरे राज्य से जो किसान या जो आंदोलनकारी आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ उनको लेकर क्या रणनीति हो, तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बातचीत मुख्यमंत्री इस वक्त मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए कर रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, क्योंकि हरियाणा का दायित्व सीएम मनोहर लाल के ऊपर है तो ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हालातों का जायजा लिया जाना। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक के दौरान पवन? देखिए अभी बैठक जारी है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ अनौपचारिक तौर पर चर्चा कर रहे हैं और अभी कोई जानकारी स्टिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जाहिर है कि जो घटनाक्रम आज हुआ है, जिस तरीके से जो एक तरफ जहां कुछ किसान संगठनों का शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस बीच कुछ आंदोलनकारी जिस तरीके से लाल किले पर पहुंचे और जगह जगह दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है उसके तमाम जो हालात रहे हैं उनके ऊपर समीक्षा की जा रही है। हरियाणा की क्या तैयारी हो, हरियाणा को अब क्या स्टेप लेना है, कानून व्यवस्था के लिहाज से क्या जरूरी एहतियात जो है वो बरतने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हरियाणा पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए भी हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा अब हाई अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको चौकस कर दिया गया है और साफ तौर पर सीधे चेतावनी डीजीपी ने दी है कि कोई भी किसी तरीके के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर पैनी नजर हरियाणा का जो खुफिया विभाग है या फिर हरियाणा का जो इंटेलिजेंस है वो रख रहा है और पूरी जो स्थिति है उसके ऊपर नजर जो है वो हरियाणा सरकार भी और हरियाणा का प्रशासन भी बनाए हुए है। पवन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दिया हमारे साथ।